आइए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम लोग बनाने वाले अपनी डिजायर, जिसमें लगाते हैं डैम्पिंग शीट वगैरह। अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी हमारा सीट कवर वगैरह लगाया जा रहा है, जैसे ये लड़के देख रहे हैं, ये प्रॉपरली इस गाड़ी में बकेट सीट कवर लगा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हमने करने वाले हैं एक डैम्पिंग शीट लगाने वाले। ये एंड्रॉयड सिस्टम भी अभी हम लोगों ने लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टच वाकई में बहुत स्मूथ चलता है, जिसमें आपका 2GB रैम 16GB मेमोरी भी मिलता है। बेसिकली हमारी डिजायर गाड़ी है जिसमें हम लोग ये डैम्पिंग शीट लगाने जा रहे हैं, और ये डैम्पिंग शीट हमारी नॉइस आउट की है, जो कि हमारी 2.2 mm की होती है। उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोसेस होता है इसको लगाने के बाद। तो लगभग हमारे डोर अब तैयार है डैम्पिंग के लिए। अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें सफाई की जा रही है। सफाई होने के बाद इसमें हम डैम्पिंग शीट लगाएंगे, जिसकी हमारी नॉइस आउट की आप ये देख सकते हैं डैम्पिंग। तो ये डैम्पिंग को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसका डोर काफ़ी ओपन है, तो इसमें हम पूरी शीट एज इट इज़ फिटिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे तो बंदा बहुत केयरफुली तरीके से अंदर को डैम्पिंग लगाने जा रहा है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है बिना कट करके अंदर लगाने में, मगर इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और ये स्टेप हम अपने पूरे डोर में इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं एक एक डोर में हम ऐसी ही डैम्पिंग लगाएंगे। डैम्पिंग के कई फायदे होते हैं। पहली बात तो इसमें आपका साउंड इंसुलेशन बन जाता है, जो कि बाहर की आने वाली आवाज़ों को रोक देता है। साथ ही साथ जो आप स्पीकर सुनते हैं, जो भी आपके स्टॉक स्पीकर होते हैं, उनमें भी क्वालिटी और क्लैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और पहले वाली डोर भी कम्प्लीट हो गई है, अब ये हमारा दूसरा डोर है, इसमें भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसमें भी हम सिंगल शीट ही लगाएंगे, ये जैसे आप ये देख सकते हैं नॉइस आउट की है, और लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो जिसमें आपको हमिंग आती हो, या स्पीकर में साउंड नहीं आता, या बेस बहुत कम आता है, तो इसको लगाने के बाद आप अपने स्पीकर में कम से कम 50% का और इम्प्रूवमेंट पाएंगे। और रही गाड़ी चलाने में जो आवाज़ आती है दरवाज़ों से, क्योंकि दरवाज़ों में बहुत सारे मूविंग पार्ट एड ऑन, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, दुनिया भर की सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। और इसका जो साउंड है वो भी काफी अल्टीमेट है। 55 वाट का इसका आउटपुट काफी अच्छा है। इसका टच पैनल भी काफी स्ट्रांग है, और फिटिंग अगर आप देखेंगे फिटिंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। हालांकि इसको लगाने में हम कोई कटिंग वटिंग नहीं करते, कपड़े टू कपड़ा ही आपको इसकी
फिटमेंट मिलती है। साथ ही साथ हमने इसमें एक बकेट फिटिंग सीटर लगाया हुआ है, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसमें हमने एक बकेट फिटिंग सीटर लगाया, जैसे आप ये देख सकते हैं ये फुल बकेट फिटिंग होता है। साइड कवरिंग काफी अच्छे से आ जाती है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काफ लेदर क्वालिटी है और ये सॉफ्ट आइटम है, इसमें पसीना बदबू या स्मेल वगैरह नहीं आती है। क्वालिटी ऑफ हमारा काफी लेदर सीट कवर है, हमारा टैन कॉम्बिनेशन के साथ है, पिलो वगैरह और स्प्रिंग वगैरह काफी अच्छे से इसमें इंस्टॉलेशन हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो लुक्स काफी अच्छे आते हैं गाड़ी के अंदर, इसमें हर कलर मेरे पास अवेलेबल रहता है, गाड़ी का इंटीरियर कलर से लेकर आउट कलर तक आपको ये मिलेगा, आपको किसी भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो ये आपको जरूर दे सकते हैं। गाड़ी में हम लोग आपकी फ्लिपकी वगैरह भी बनाते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये प्रॉपर आपकी फ्लिपकी है, लॉक अनलॉक प्रॉपर होती है, स्टार्ट भी होती है और ये आपकी पुरानी चाबी है। खासकर जब हम लोग कोई फ्लिपकी बनाते हैं, हम कोई भी किसी भी तरह की चाबी आपकी खराब नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, आपकी प्रॉपर ओरिजिनल चाबी आपके पास रहती है, ये भी वर्किंग रहती है, वेस्ट नहीं करते ना आपकी कोई सेंसर सा हम यूज करते हैं, हम ये भी आपको दे देंगे और अपनी एक फ्लिपकी भी हमारे को बना के देते हैं। ये देखिए स्टार्ट दोनों करती है, तो ये हमारा पूरा नया सॉफ्टवेयर होता है, आपका कोई भी किसी तरह का चिप हम यूज नहीं करते, आपका प्रॉपर ओरिजिनल चाबी आपके पास ही रहता है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई चाबी बनाए तो कोई भी आप नहीं बनाए जिसमें आपकी ओरिजिनल चाबी खराब ना हो। तो ये तो हो गया हमारे कुछ एक्सेसरीज आइटम, अब आइए चलते हैं अपनी गाड़ी की मेन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अभी हमने लगाया था इसमें डैम्पिंग, अगर आप ध्यान सुनेंगे जो आवाज आती है डोर से या डोर बंद करने की आवाज आती है, डैम्पिंग लगाने से ये चीज लगभग खत्म हो जाती है। कभी भी आप लगवाइएगा तो डैम्पिंग जरूर लगवाइएगा, क्योंकि बेस मॉडल गाड़ियों में जो कि नीचे गाड़ियां होती है नीचे डैम्पिंग बहुत बढ़िया चीज है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो नॉइज फ्री रहता है और नॉइज उन्हें जब कर लेते हैं गाड़ी पे जो अंदर स्पीकर लगे होते हैं गेन बढ़ जाता है और साउंड लेस हो जाती है कार। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, आइए मुलाकात कर लीजिए। आप देख रहे हो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हमारे जायज सामान भैया की, आइए भैया से फोन पूछते हैं यहाँ आकर कैसा लगा। तो पहले तो धन्यवाद भाई आपको लखनऊ आने के लिए, काम कराने के लिए, आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं नहीं बिल्कुल जो रेट्स आपको दिए वो कैसे लगे आपकी ठीक है। धन्यवाद आपको लगवाने के लिए, काम कराने के लिए। तो आई होप आपको भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मैसेज जरूर करिएगा, कॉलिंग भी करिएगा वर्किंग टाइम में, जिसे हम समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।